सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन बेल को दबाओ आने वाली वीडियोस को देखने के लिए। हाय गाइस, मेरा नाम है दिव्यांश और आप देख रहे हैं माय स्मार्ट प्लेस्टेशन। तो आज के इस वीडियो में हम गेम प्ले करने वाले हैं स्पाइडरमैन एज ऑफ टाइम। तो ये गेम है VII का और इसमें हम रियलमी 3 मोबाइल में अपने में गेम प्ले करके दिखाने वाले हैं और सब मैं आपको बताऊंगा कि कैसा चल रहा है और ग्राफिक्स कैसे हैं और कितनी MB का साइज़ है इसका। तो वीडियो एंड तक देखनी पड़ेगी। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो और लोगों को शेयर करो अपने दोस्तों को। तो गेम की बात करें तो गेम बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है और ग्राफिक्स बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। आप एक बार इसे डाउनलोड कर लेंगे तो आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि आपने डाटा वेस्ट करा है। आप इसका एंड करेंगे, मेरे को पता है। इतना बढ़िया गेम है ये, एक बार आपने खेला तो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है, क्योंकि मेरे को भी आया था पहली बारी में ही। और ग्राफिक्स बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है, हाई ग्राफिक्स है और आपके मोबाइल में बिल्कुल बढ़िया चलने वाला है। अगर आपका प्रोसेसर P60 या स्नैपड्रैगन 660 या 36 है तो आप इसे डाउनलोड कर लीजिए और लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, डाउनलोड करना है तो कर लीजिए। 1.5 GB की फाइल है ये और एक्सट्रैक्ट होने के बाद भी 1.5 GB की ही निकलेगी, तो आपको कम से कम 3 GB से ज़्यादा स्टोरेज खाली रखनी है फाइल के लिए। और डॉल्फिन एमुलेटर आपको प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लेना है, फ्री में हो जाएगा। तो पहले मैं आपको बता दूं, फाइल डाउनलोड करने से पहले आप डॉल्फिन एमुलेटर को इंस्टॉल कर लेना, क्योंकि किसी किसी मोबाइल में होता है कि डॉल्फिन एमुलेटर इंस्टॉल नहीं होता है तो फिर आपका फाइल बेकार जाएगी और आप किसी और एमुलेटर में उस फाइल को चला भी नहीं सकते हो। तो आपको इसी डॉल्फिन एमुलेटर में चलानी पड़ेगी और गेम क्यूब की फाइल डाउनलोड करेंगे तो गेम क्यूब में भी नहीं चलेगी, आपको VII की डाउनलोड करनी पड़ेगी। इसलिए कह रहा हूँ लिंक डिस्क्रिप्शन पर, वहाँ से ही डाउनलोड करोगे तो आपको सही फाइल मिलेगी। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, डाउनलोड करना है तो कर लेना, ऐड वगैरह नहीं लगाई है मैंने, तो डाउनलोड कर लेना करनी हो तो। पूरा गेम प्ले देख के जाना किस तरीके का चल रहा है और कहीं पे लैग तो नहीं हो रहा। स्पाइडरमैन का गेम है ये, बहुत ही बढ़िया गेम है और बहुत ही ज़्यादा फेमस है ये गेम, आपको पता होगी। और बहुत बड़ा गेम है, आपको टाइम लग जाएगा इसका एंड करने में और स्टोरी आपको बहुत ही ज़्यादा बढ़िया मिलेगी इसमें। टाइम फ्यूचर की स्टोरी है इसकी, फ्यूचर से स्पाइडरमैन आता है कुछ इस तरीके की है, मेरे को पता नहीं है, अभी आपको दिखाएगा स्पाइडरमैन आते हुए। तो आपको गेम बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर दो, बेल दबा देना। आने वाली वीडियोस में बहुत सारे गेम टेस्ट करने वाले हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अभी आप गेम प्ले देख लीजिए। अब इसमें ये दूसरा वाला स्पाइडरमैन है, ये फ्यूचर से आया है, इसमें सन लिख रही होगी ऊपर, देखना आप 2019। तो फ्यूचर से आया ये स्पाइडरमैन इधर वाले स्पाइडरमैन को बचाने के लिए। तो गेम बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है, स्टोरी इसकी बहुत ही बढ़िया है, आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाला है और की आपको बहुत ही जल्दी से समझ में आ जाएगी। और स्क्रीन फुल करके खेलना, आधी स्क्रीन करोगे तो मज़े नहीं आएंगे, फुल स्क्रीन करके खेलना, जब भी मज़े आएंगे। आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे किस तरीके का लग रहा है, ग्राफिक्स बहुत ही बढ़िया, मैं आपको पहले बता रहा हूँ। तो एक बार आप इसे डाउनलोड कर लीजिए, डाउनलोड करेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाला है और ऑफलाइन चलेगा, डाटा वेस्ट नहीं होगा। तो आप एक बार डाटा वेस्ट कीजिए और फिर देखिए, आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो गेम प्ले बहुत ही बढ़िया हो रहा है और लैग वगैरह मेरे को कहीं पे देखने को नहीं मिला है अभी तक, और ग्राफिक्स क्वालिटी बढ़िया है। अभी वीडियो में थोड़ा ग्राफिक्स कलर थोड़े नीले नीले हैं तो इसलिए दिक्कत आ रही है, पीछे भी नीला है मेरा तो इसलिए ढंग से ग्राफिक्स नहीं आ पाए मोबाइल के। तो आप खेलोगे तो आपको पता लग जाएगी। और सेटिंग वगैरह आपको बहुत ही ज़्यादा बढ़िया करनी है, जब भी आपके मोबाइल में फास्ट चल पाएगा गेम वरना स्लो चलेगा। सेटिंग्स वगैरह आप नेट पर देख लेना या आप खुद ही कर लोगे, इतने तो आप जानती होगे, कर लेना सेटिंग्स। और गेम की फाइल डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड करने तो कर लो। तो वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और नीचे कमेंट करके बताना अगली वीडियो किस गेम के ऊपर चाहिए, उस गेम के ऊपर वीडियो आ जाएगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आपको पता चल जाएगी।